नमस्कार, जानेंगे इस कारोबारी सप्ताह मेजर एग्री कमोडिटीज़ या कृषि फसलों में क्या रुझान देखने मिलेगा। तो शुरुआत इस बार एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स से करते हैं। हमने देखा है कि सोयाबीन में एक मिला जुला कारोबार देखने मिला, हालांकि 7,800 के ऊपर के जो एक सपोर्ट हैं अभी भी होल्ड कर पा रहा है। तो आने वाले दो हफ्तों में ऐसा लगता है कि 8,200 तक की एक मूव अपसाइड में देखने मिलेगी। वहीं रिफाइंड सोयाबीन में भी 1530 के लेवल के करीब क्लोजिंग दी है। ऐसा लगता है कि यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमें 1580 और उसके बाद दोबारा 1630 तक आने वाले 2 से 3 हफ्तों में देखने मिलेगा। तो दोनों में ही बाइंग ऑन डिप की रणनीति अपनानी चाहिए। वहीं कैस्टर सीड में भी हमने 7,000 के नीचे के स्तर देखे हैं। यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमें आने वाले हफ्ते में 7,300 से 350 तक देखने मिल सकता है। तो करंट लेवल पे कैस्टर सीड में बाइंग की जा सकती है। वहीं अगर आप कॉटन की बात करें, M6 कॉटन में हमने 44,000 के करीब की क्लोजिंग देखी है और जो पिछले हफ्ते के जो लक्ष्य थे वो हासिल हो चुके हैं। 44,700 तक के हाइज देखे गए थे। ऐसा लगता है कि ओवरऑल अब भी एक 46,000 से 45,500 तक के लक्ष्य पेंडिंग है। तो आने वाले दो हफ्तों में हमें वो लक्ष्य हासिल होते हुए दिख सकते हैं। लोअर साइड में 43,000 से 43,200 के करीब अच्छे सपोर्ट हैं, वहाँ पर अगर डिप मिले तो बाइंग की जा सकती है। अप साइड में 45,500 और उसके बाद 46,200 तक के लक्ष्य पोजिशनल बेसिस पे अब भी लिए जा सकते हैं। वहीं पिनोला खलिया कॉटन सीड ऑयल केक में हमने लगातार 2,900 के ऊपर ट्रेड होते हुए देखा है और पिछले दो महीनों में काफ़ी दफ़ा यहाँ से बाउंस बैक मिला है। इस बार भी ऐसा लगता है कि एक बाउंस बैक रैली देखने मिलेगी। 3,180 का एक इमीडिएट लक्ष्य हासिल हो सकता है और उसके बाद 3,320 का एक मीडियम टर्म यानी दो हफ्तों का लक्ष्य लिया जा सकता है। तो बिनौला खल में अब भी तेज़ी की गुंजाइश जारी है। वहीं पर ग्वार कॉम्प्लेक्स में हमने ग्वार गम और ग्वार सीड दोनों में ही निचले स्तरों से एक रिकवरी आते हुए देखी है। ऐसा लगता है कि यहाँ से ग्वार सीड दोबारा 6,800 तक के स्तर छू सकता है। वहीं ग्वार गम जो है वो करीबन 13,500 से 14,000 तक के लेवल भी पोजिशनली छूने की तैयारी कर रहा है। तो करंट मार्केट पर बाइंग की जा सकती है दोनों में ही और अपसाइड में नए लक्ष्य जो हैं हासिल हो सकते हैं। वहीं अगर हम स्पाइसेस कॉम्प्लेक्स की बात करें, मसाला पैक में हमने देखा कि धनिया में जो है एक साइडवेज सा कारोबार देखा गया पिछले कुछ दिनों में और ये जारी रहेगा। एक हफ्ता 12,200 से लेके 12,800 की एक दायरा रहेगा, लेकिन पोजिशनली अगर हम बात करें तो ऐसा लगता है कि 13,200 से 13,300 तक के लक्ष्य हासिल हो सकते हैं। इसके लिए ओवरऑल जो रुख है वो तेज़ी की तरफ बना रहेगा। वहीं अगर हल्दी की बात करें तो हमने 10,000 के करीब से गिरावट आते हुए देखी है, 9,200 के करीब की क्लोजिंग है। आने वाले हफ्ते में 9,450 से 9,500 के बीच रेजिस्टेंस होगा। सेलोन रैलीज की सलाह होगी यानी उछाल पे बिकवाली की जा सकती है और डाउनसाइड में 8,800 तक के शॉर्ट टू मीडियम टर्म टारगेट लिए जा सकते हैं। वहीं अगर जीरे की भी बात करूं तो 22,300 के करीब की क्लोजिंग है, हालांकि जो हाइस थे वो 23,500 के करीब थे। ऐसा लगता है कि पोजिशनल बेसिस पे 21,600 के जब तक ऊपर प्राइसेस रहेंगी, फ़िलहाल जीरा जो है वो तेज़ी में ही रहेगा और अपसाइड में हमें दोबारा 23,500 और उसके बाद 24,200 तक के लेवल भी देखने मिल सकते हैं। तो ये था एक जायज़ा कि मेजर एग्री कमोडिटीज़ में क्या रुझान देखने मिलेगा। धन्यवाद।